अब आप कई लोग बोलोगे यार कैसी बंदी है, उधर खाना बना रही है उधर खा रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? स्टार्ट करने जा रही हूँ आज का नया ब्लॉग, आई एम प्रतिभा। तो चलिए आज हम क्या कर रहे हैं, सुबह सुबह थोड़ा सा आपको बताते हैं। तो ब्रेकफास्ट में आज डोसा बना है हमारे घर पे, डोसा एंड प्याज टमाटर की चटनी। तो हमारे पति देव देखो यहाँ बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं आज। ये घर के ऊपर से हमने ना ये पेड़ काट के निकाला है, एक मिनट में उधर जा रही हूँ। तो वो ऊपर वाला पेड़ है ना जो छत के ऊपर ना बहुत ज्यादा पत्ते फैलाता था, बहुत ज्यादा गंदगी हो रही थी, तो वहां से इसको ना आज पूरा साफ कर दिया है काट के। तो ये सारा नीचे इधर ढेर लग गया, अभी धीरे धीरे करके पूरा निकाल रहे हैं और बाहर फेंक रहे हैं। तो यहाँ से लेके ना वो पूरा आगे नाली है, नाला सा है, उसके बीच में डाल रहे हैं सारा पूरा जितना निकल रहा है ना ये पेड़ का गंदगी। तो सुबह सुबह के टाइम पे ही हो गए यहाँ पे तगड़ी वाली गर्मी, काफी तेज धूप हो रही है यार। और अपना गार्डन काफी हरा भरा है, यहाँ घूमने से ही बड़ा मन खुश हो जाता है, तो हम थोड़ा थोड़ा सा इधर घूम लेते हैं सुबह सुबह तो अच्छा लगता है। तो घर हमारा हो गया जी साफ, पूरा कूड़ा चला गया बाहर और घर हो गया क्लीन। तो अभी किचन में बन रहा है हमारा डोसा एंड चटनी, तो मैंने डोसा और चटनी बना दिया, अपने हस्बैंड को जा रही हूँ सर्व करने के लिए, एंड बाकी के यहाँ पे बन रहे हैं। तो एक और डाल देते हैं। एंड इसमें डाल देंगे हम खूब सारा कटा हुआ छोटा छोटा शिमला मिर्च, प्याज और अब थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। सो गाइस, अभी मैं बना रही हूँ वो वाली फ्रॉक जो मैंने कट करी थी। तो यहाँ पे मैंने इनकी प्लीट्स वगैरह डाल दी हैं, ये देखिए प्लीट्स वगैरह पूरी आ गई हैं और फ्रॉक मेरी ऑलमोस्ट रेडी है। बस मुझे आर्म्स के ऊपर जो कपड़ा अटैच करना है, गले वाली साइड पे कपड़ा अटैच हो चुका है एंड बहुत ही अच्छे से ना बहुत ही परफेक्ट वाली फ्रॉक बनी है। वेरी इजी प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस फ्रॉक। और अभी मुझे इसके बस आर्म होल पे कपड़ा अटैच करना है, देन मेरी फ्रॉक रेडी हो जाएगी और आपको मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी इसको पहन के कि मुझे ये कैसी लग रही है। और अभी 12 बजे का टाइम हो गया है, मैं अपनी कुशागरी का वेट कर रही हूँ कि स्कूल बस आ जाए जल्दी से। एंड चलिए अभी जल्दी से इसको स्टिच कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरी जो ये फ्रॉक है ये बन चुकी है एंड आपको मैं इसकी फाइनल लुक दिखा रही हूँ। ये देखिए इसका जो मैंने थोड़ा सा बोट नेक शेप में रखा है इसको, तो इसकी मैंने जो कटिंग है पिछले ब्लॉग में डाली थी एंड ये है। तो इसके साथ में हमने ये जो स्लीव्स हैं विदाउट स्लीव्स मैंने इसको बनाया है एंड ये ना थोड़ा सा मैंने लूज रखा है क्योंकि गर्मी है, बहुत ज्यादा फिटिंग में नहीं रखा है। एंड ये देखिए इसका ये फ्रंट पूरा और ये आ गया इसका बैक एंड पूरा लॉन्ग लेंथ में है ये। तो ये पूरा लॉन्ग लेंथ में मैंने बनाया है, नी लेंथ में, तो काफी अच्छा ये बना है एंड वेरी कंफर्टेबल, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। तो फाइनली जो मेरी फ्रॉक है ये बन के रेडी हो चुकी है और इसी के साथ अभी मैं सेकंड बना रही हूँ ये प्लाजो। ये प्लाजो मैंने थोड़े दिन पहले इसका कपड़ा लाया था तो मैंने ब्लॉग में डाला भी था इसको एंड फाइनली ये मैंने प्लाजो जो है इसको बना रही हूँ। ये है इसकी आसन वाली जगह ऊपर वाली एंड ये नीचे की जो टांगों का नीचे का पोर्शन है ये पूरा एंड बस ये अभी मैंने इसका ये ऊपर से ना इसको फोल्ड कर दिया है, ये चीज़ इसकी फोल्ड कर दी है एंड आसन की पूरी सिलाइयाँ हो गई हैं। अब बस मुझे ये नीचे से इसको फोल्ड करना है इधर से और फिटिंग की सिलाई करनी है, बस दो सिलाइयाँ रह गई हैं एंड फाइनली ये मेरा जो प्लाजो है ये रेडी हो जाएगा और बस अभी यही मेरा बाकी बचा है। तो फ्रॉक ना बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल बनी है। सो मैंने इसका जो वीडियो है ना वो कटिंग का वीडियो वो मैंने पिछले ब्लॉग में डाला है, जो अगर कोई देखना चाहता है तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि मैंने कटिंग बहुत सिंपल तरीके से करी है। आपको सिर्फ 3-4 मेजरमेंट चाहिए आपने, एक शोल्डर का, आर्म होल का, फिटिंग का, एक यहाँ से और एक थोड़ा सा कमर से, ये चार जो आपको मेजरमेंट चाहिए होते हैं। नेक थोड़ा सा ब्रॉड रखना है, 3.5 इंच मैंने रखा था एंड फ्रंट मैंने 6 रखा, बैक मैंने 4 रखा है, ठीक है डीप। तो बस इस तरह से थोड़ी सी कटिंग, थोड़ी सी मेजरमेंट चाहिए और आप बहुत ईजिली ऐसी
कंफर्टेबल सी फ्रॉक्स बना सकते हो। इस तरह की फ्रॉक एंड इसके साथ आप कोई भी कॉम्बिनेशन में सिंपल प्लेन प्लाजो अगर बना के लगाओगे और दैट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो इसके साथ कोई भी, जैसे मैं इसके साथ रेड येलो या फिर ग्रीन या फिर कोई भी कलर का मैं इसके साथ प्लाजो पहन सकती हूँ, तो वेरी कंफर्टेबल। सो ये मैं प्लाजो का पीस लाई थी ना, प्लाजो मेरा कट होने के बाद इतना पीस ना ये बचा है, ये देखिए ये इतना पीस बचा है। तो क्यों ना जो हम स्टॉल लेते हैं तो वो स्टॉल में इसको बना दूं, बस इसको हल्का हल्का सा साइड से मुझे पीको करना है और इधर से साइड से सारी साइडों से पीको करना है एंड दिस इज आई थिंक वेरी कंफर्टेबल। जो मैंने पहना हुआ ना सेम लाइक दिस देखिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि कॉटन है तो बहुत अच्छा रहता है पसीना वसीना पोंछने के लिए, अच्छे से पसीना सोख लेता है, सो उसके लिए बड़ा सही है ये। तो इसको कहीं भी हम जैसे बाहर घूमने जाते हैं थोड़ा सा कहीं चले जाते हैं मार्केट मोर्केट तो पहन सकते हैं, वेरी कंफर्टेबल। इनकेस अगर आप कभी भी कपड़ा लाते हो कोई प्लाजो व्लाजो बनाते हो तो साइड से कपड़ा ना इतना इतना बच जाता है जितना जितना वो मेरा स्टॉल का कपड़ा बचा है, तो उसका ना आप सिंपल से एक स्टॉल बना सकते हो नॉर्मल यूज करने के लिए, इट्स वेरी सिंपल। ओके एंड चलिए अभी मैं ये प्लाजो कंप्लीट कर लेती हूँ एंड देन आफ्टर दैट आप लोगों से फिर मिलती हूँ कि प्लाजो हमारा कैसा बना है, तो आपको थोड़ा सा पहन के भी। फाइनली गाइस मेरी फ्रॉक जो है वो रेडी हो चुकी है एंड इसके बाद मैं आपको प्लाजो दिखाऊंगी एंड आप देख सकते हैं कि मेरी फ्रॉक मैंने थोड़ी सी लूज रखी है बिकॉज ऑफ गर्मी एंड यहाँ पे स्लीव्स वगैरह आप चेक कर सकते हैं, देखिए स्लीव्स पूरी एकदम परफेक्ट आई है फिटिंग के साथ और कोई लूज नहीं है कुछ नहीं है, यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा नहीं हो रहा है पूरा एकदम से ना ये जगह से एकदम परफेक्ट आई है। बैक साइड आप देख सकते हैं एंड बोटेक हमारा बहुत अच्छे से परफेक्ट बैठा है एंड बाकी आप इसको मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाती हूँ, अच्छा घेरे वाला फ्रॉक है बहुत ही परफेक्ट बना है। वेट यस बच्चा एंड आप इसकी लेंथ देख सकते हो मैंने इसको कितना लॉन्ग में रखा है एंड वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी ब्यूटीफुल। तो काफी अच्छे से हमारी यहाँ फ्रॉक बनी है, बैक आप देख सकते हो लॉन्ग ड्रेस टू। तो यहाँ पे हमारी ये फ्रॉक रेडी हो चुकी है, होप करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से लगी हो, मतलब पसंद आई हो मेरी ये फ्रॉक एंड फ्रॉक हमारी रेडी हो चुकी है। और अभी मैं आपको प्लाजो शो करती हूँ कि मैंने प्लाजो कैसे बनाया। ओके तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी अपना तितरा मित्रा प्लाजो जिसमें बहुत सारे कलर हैं। ये वेट थोड़ा सा कैमरा नीचे करती हूँ उसके बाद दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये मैंने प्लाजो बनाया, तो आप प्लाजो देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से बना है, एकदम परफेक्ट एंड कंफर्टेबल प्लाजो, वेरी लूज, कहीं से ऊपर नीचे नहीं है, एकदम परफेक्ट प्लाजो। सो आवर प्लाजो इज आल्सो रेडी। शाम का टाइम और टाइम और ठंडी ठंडी हवा चल रही है यार, बहुत अच्छा लग रहा है बाहर। सो वॉकिंग चल रही है अभी मेरी थोड़ी थोड़ी एंड अभी जा रही हूँ घर पे, वही कुछ एग्री टाइकंडो गई है। तो गाइस अभी है हमारे डिनर का टाइम, तो सबसे पहले मैं आपको बता दी मैंने यहाँ पे दाल और चावल मिक्स किए हैं, इसमें ना काट के छोटा छोटा प्याज डाला है और साथ में यहाँ पे ना कुकुम्बर कट किए हैं, तो मन कर रहा था मुझे कुछ इस तरह से खाने का ना एकदम दाल चावल मिक्स करके, तो मैंने इस तरह से ना अभी बनाया। उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर और अपना फेवरेट घिया कट किया है और यहाँ पे लग रहा है हमारा तड़का, प्याज लहसुन अदरक जो है अच्छे से भुन रहा है और इसके बाद जाएगा ये हमारा टमाटर, लाल लाल टमाटर, और उसके बाद मैं डालूंगी सूखे मसाले एंड बहुत ही स्वादिष्ट जो हमारे ये घी की सब्जी बनती है ना बहुत ज्यादा अच्छी बनती है। तो अभी मेरा बन रहा है डिनर जी, ठीक है, और साथ साथ में हमारा यहाँ पे ये दाल चावल वाला टेस्टी टेस्टी खाना भी हमारे पेट में है। अब आप कई लोग बोलोगे यार कैसी बंदी है उधर खाना बना रही है उधर खा रही है, तो यार क्या है ना कि भूख का कोई वो नहीं होता, फिलहाल अभी मैं बना रही हूँ तो अभी नहीं खा रही हूँ, बट जैसे ही मेरा बनाना फिनिश हो जाएगा उसके बाद मैं इसको खाऊंगी और बहुत ही टेस्टी दाल चावल मिक्स करके जो बनता है ना, जो दाल चावल मिक्स करके जो बनता है ना वो बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है। सो प्याज और लहसुन मेरा पूरा अच्छे से जो है बन गया है, मतलब पक गया। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे टमाटर, और ग्रेवी को बन लेने देते हैं। और आपको सच कहूं ना तो मुझे ना घी के कोफ्ते खाने का मन कर रहा है, और घी के कोफ्ते ना बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं, सोच रही हूँ कि कल दिन को या फिर कल दिन को ट्राई करूंगी कि अगर बन जाएंगे घी के कोफ्ते बनाऊंगी। एंड सेकंड थिंग क्या मन कर रहा है मेरा,
घीये के मोमोज, तो जल्दी मैं घीये के मोमोज की रेसिपी लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। और बड़ी सही लगती है, पता है, यह एक ऐसी सब्जी है ना जो हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है, कोई नुकसान नहीं होता है घीये का, एंड साथ में खीरा खा सकती हूँ यार। और नमक तो नहीं डाला मैंने, पहले डाला है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां पर डाल देंगे हल्दी, साथ में डाल देंगे मिर्च, धनिया पाउडर, क्या बोल रही थी, हाँ घीये के मोमोज बनाएंगे यार कल या परसों, घीये के मोमोज बनेंगे और साथ में हमारी टमाटर और लाल मिर्च की चटनी मैं परसों तक बनाऊंगी। एक तो यार ना गर्मी इतनी होती है ना, पता नहीं यार किचन में आने का मन ही नहीं करता है, सीधी बात को, खाने का मन बहुत कुछ करता है, मन करता है कि चलो यार ये बनाए वो बनाए। कल पता है मैं बेसन और चीनी दो चीजें लेकर आई, मैंने कहा आज मैं ना बेसन के लड्डू बनाती हूँ, बेसन के लड्डू नहीं बूंदी के लड्डू, तो ये देखो मेरे पास झारा भी पड़ा हुआ है। तो मैं कल सोची, मैंने कहा यार बूंदी के लड्डू बनाते हैं अच्छे से, तो इधर इधर क्या हुआ कि शाम को लेकर आई थी, आई किचन में बनाने के लिए, किचन में इतनी गर्मी, इतनी गर्मी ऐसा लगा फट जाऊंगी, मैंने छोड़ दिया, मैं जान दे, वो कल से ऐसे ही पड़े हुए हैं, बूंदी के लड्डू बनाने का मन कर रहा है यार। राखी आ रही है यार, भले हम राखी बांधे या ना बांधे, बट राखी का हर रिचुअल हम पूरी तरह से निभाते हैं। तो यहाँ पे ना ग्रेवी जो है ना अच्छे से बन गई है। हाँ आपको ना एक चीज बताती हूँ, लोग अक्सर ना ग्रेवी में पानी डाल के फिर ग्रेवी बनाते हैं, पर मैं ना ग्रेवी में कभी भी पानी डाल के ना, मतलब कभी कभी डाल देती हूँ बट नॉट हमेशा। जैसे अभी मैंने देखो बिना पानी डाले हुए ग्रेवी जो बनाई है, और इसी में मैंने डाल दिया घीया, आपको पास से दिखाती हूँ, रुको। तो ये देखो, ये मैंने ना ग्रेवी में पानी बिल्कुल नहीं डाला है, बिना ग्रेवी में पानी डाले हुए मैंने घीये को डाल दिया है। अब कम से कम ना 5-10 मिनट के लिए मुझे इसको ऐसे ही ना अच्छे से भूनना है इसी ग्रेवी में, उसका जो स्वाद आएगा ना पानी डाल के, पता नहीं यार ग्रेवी में ना वो उतना ज्यादा स्वाद नहीं रहता है। तो जब ये घीया अच्छे से भून जाएगा ना इस ग्रेवी में, तब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा पानी और इसको ढक के पकाऊंगी। तो इस घीये को पकाते हुए ना मेरे को 4-5 मिनट हो गए हैं, और इसको मैंने अच्छे से ना ग्रेवी में पकाया, अभी थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा सा ही पानी डालना, क्योंकि मेरे को सूखी सब्जी बनानी है। सो मैंने यहाँ पे 4-5 चम्मच जो है पानी डाल दिया है, ढक्कन से ढक देते हैं, सिम फ्लेम पे इसको आराम से पनने देंगे, और बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट सब्जी बनती है। अब मैं बना दूंगी चपाती अपने, एंड फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, ओके, क्योंकि चपाती का प्रोसेस बड़ा लंबा हो जाता है, साथ में थोड़े से अपने ये टेस्टी वाले चावल भी खा लेते हैं। गाइस यहाँ पे हमारी घीये की सब्जी जो है वो बन के रेडी है, आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से बनी है हमारी सब्जी, और साथ में हमने सैलड वगैरह कट कर दिया है, और साथ में चपाती बन गए। तो अभी जा रही हूँ मैं डिनर करने के लिए, हम सब लोग डिनर करेंगे अभी, तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। बताना जरूर कि फ्रॉक कैसी लगी आपको, और फ्रॉक का मतलब लॉन्ग लेंथ में कैसी लगी, एंड प्लाजो कटिंग वो मैंने पिछले ब्लॉग में डाली है। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करिए, बहुत बहुत खुश रहिए।